और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने 30 सितंबर 2019 को हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी, जिसमें 26 साल की नौक्षम चौधरी के नाम से सबको चौंका दिया था। नौक्षम को बीजेपी ने पुरानी सीट से टिकट दिया है और आपको बता दें कि आदमपुर सीट से टिकट दिया है। श्वेता श्रीवास्तव मेरी सहयोगी इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं नौक्षम के साथ। श्वेता, ओवर टू यू, आपके साथ वो मौजूद हैं। उनका अब तक का सफर, राजनीति में आने का सफर कैसा रहा और अब कितनी उम्मीदें हैं इस चुनाव से? शुक्रिया निधि। तो बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कई चर्चित चेहरों को इस बार टिकट देकर चौंका दिया। उन्हीं चर्चित चेहरों में से एक है नौक्षम चौधरी, जो कि 26 साल की हैं, लंदन से अभी आई हैं पढ़ाई खत्म करके, पिछले महीने ही बीजेपी में शामिल हुई हैं। और सोचिए, 1 करोड़ का इनका पैकेज था, जिसको छोड़कर ये मेवात के पुलाना विधानसभा सीट में लोगों के सामने हैं। नौक्षम, आपको अचानक, जबकि आप लंदन में थी, पढ़ाई कर रही थी, आपने ट्रिपल एमए किया हुआ है, अचानक कैसे राजनीति में आई आप? अचानक इस किस्म से हुआ कि मुझे लगा कि कभी ना कभी तो हमारे इलाके का विकास करना पड़ेगा। उस विकास को कराने के लिए मुझे लगा कि मेरा सरकार में एक मजबूत हिस्सा होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी इनके मुद्दे मिसाइल हैं मैं विधानसभा में उठा सकूं और हर प्रकार की कार्यवाही हो सके कि इन लोगों को विकास और तसल्ली मिल सके। जी। आपके पिता एक जज हैं, काफी सीनियर जज हैं, आपकी माँ ब्यूरोक्रेसी में है, आईएएस ऑफिसर हैं, जितना मुझे पता है। ऐसे में आपको पॉलिटिक्स में आना, क्या बचपन से ऐसा कोई माहौल था या अचानक अभी हाल के दिनों में आपको लगा कि आपको ज्वाइन करना चाहिए? नहीं, मेरे परिवार से कोई भी सदस्य राजनीतिक तौर पे किसी भी पार्टी से कोई चुनाव उनका जुड़ाव नहीं है। मैं एक पहली अपने परिवार से सदस्य हूँ जिसने ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया कि अगर मुझे अपने सरकार में हिस्सा रखना है तो मुझे राजनीति पे उतरना पड़ेगा। मैं अपने लोगों की आवाज़ भी बनूंगी, उम्मीद की किरण भी बनूंगी और हर प्रकार से ये जायज रखूंगी कि मेरे हलके की आवाज़ हुकूमत तक पहुंचे, ताकि इनका विकास हो सके, तरक्की हो सके। एक बार हुकूमत में ये तो सुने कि हमारे इलाका इतने सालों बाद भी, 75 साल के चुनावों के बाद भी इतना पिछड़ा हुआ किस वजहों से है। जी, नीति आयोग की रिपोर्ट की अगर हम माने तो मेवात अति पिछड़े इलाकों में से एक है, खासतौर पर महिलाओं की स्थिति बहुत बदहाल है। तो ऐसे में क्या आपका प्लान है अगर लोग आपको चुनते हैं यहाँ पर विधायक के तौर पर? सबसे पहले तो जी, मैं एक यूनिवर्सिटी की डिमांड रखना चाहती हूँ कि किसी तरीके से शिक्षा से जो ये वंचित इलाका है, शिक्षा के स्तर बढ़े। शिक्षा इतना मजबूत हथियार है और इतना बल देने वाला हथियार है कि जिस दिन ये लोग जागरूक हो गए कि शिक्षा इनको क्या दे सकती है, ये इलाका खुद ब खुद विकास की और उत्पन्न जो एक विकास की धारा होता है उसकी तरफ चल पड़ेगा। 1 करोड़ का आपका पैकेज था, मैंने सुना है लंदन में आप, अच्छा 1 करोड़, हाँ, आप वहाँ पर अपना 9 to 5 जॉब कर रही थी, आपकी लाइफ स्टाइल अलग थी। जब आपके फादर जो कि जज हैं और आपकी माँ जो ब्यूरोक्रेसी में, उन्होंने सुना कि आप लंदन छोड़ के ऑल द वे 1 करोड़ का पैकेज छोड़ के आप यहाँ आकर गलियों में लोगों के बीच रहेंगी, तो कैसा रिएक्शन था शुरुआत में उनका? देखिए, इसमें कोई फर्क नहीं है कि आज जहाँ पर मैं बैठी हूँ और जहाँ पहले थी, वहाँ पर बहुत फर्क है, पर यहाँ पर मुझे लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिला है, सच्चाई के साथ जुड़ने का मौका मिला है, रियलिटी के साथ जुड़ने का मौका मिला है। और मेरे पेरेंट्स का रिएक्शन ये है कि वो, मेरे पिताजी को लगता है कि उनका 35 साल पुराना जो एक स्वप्न था किसी तरीके से मेवात में विकास हो, हल्का आगे बढ़े, वो आज पूर्ण होता दिखाई दे रहा है। बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, हर तरीके से मेरे साथ चल रहे हैं। 10 लैंग्वेज आप जानती हैं, 10 लैंग्वेज में आपको माहिर हैं आप, ऐसे में मेवाती में अगर आप यहाँ के लोगों को कुछ कहना चाहें? लाली ने वोट दोगे कि नहीं? लाली के साथ रहोगे कि नहीं? हाँ भाई, 75 पार नहीं, 80 पार करेंगे, एक तरफा जीत रखेंगे, कोई बात नहीं। नौक्षम, हमारे स्टूडियो से भी आपसे सवाल करना चाहती है मेरी सहयोगी श्वेता, उनका सवाल मैं सुनती हूँ, पूछिए श्वेता। श्वेता, देखिए, ये है ये हरियाणवी छोरी जो अब चुनावी मैदान में उतरी है नए दमखम के साथ। मैं यही सवाल करना चाहती हूँ, चूंकि ये युवा चेहरा है तो युवाओं को कैसे प्रेरित करेंगी, क्योंकि हरियाणा में हम देखते हैं लड़कियां आगे बढ़ती हैं लेकिन फिर भी जो मौका उनको मिलना चाहिए अभी भी उस हद तक नहीं मिला है, तो कैसे ये चुनाव इनके लिए बहुत अलग है क्योंकि परिवार में कोई भी राजनीति में नहीं है, तो युवा चेहरे के तौर पर युवाओं को कैसे आगे बढ़ाएंगी और वो कौन से, अगर मैं 3 पॉइंट पूछूं, इनके लिए फोकस पॉइंट होंगे जिसको लेकर ये चुनावी मैदान में प्रचार करेंगे?
जी श्वेता, युवाओं को लेकर के अगर तीन आपके कोई पॉइंट्स जानना चाहें कि कौन से ऐसे तीन चीजें होंगी जिनको लेकर के आप चुनाव में युवाओं के लिए खास तौर पर आगे बढ़ना चाहेंगे, फिर चाहे वो युवा लड़कियां हों। सबसे पहला तो युवाओं को एक दिशा की जरूरत है। यहाँ का जो युवा है बहुत काबिल है, बहुत शातिर है, और एक दिशा और दशा की जरूरत है। दूसरा, इन्हें एक रोजगार की जरूरत है। इन्हें रोजगार मिल जाए तो ये अपने आप यहाँ का उद्धार कर देंगे। कोई 10वीं पास है, कोई 12वीं पढ़ा है, कोई 15वीं पढ़ा है, जिसके पास काम ही नहीं वो क्या करेगा? तो रोजगार की इन्हें बहुत जरूरत है। तीसरा जो महत्वपूर्ण इनके लिए ये है कि यहाँ पे फैक्ट्रीज का और लेबर डेवलपमेंट प्रोग्राम होना चाहिए, ताकि जो युवा अपने आप को स्किल में माहिर करना चाहे उन्हें मौका मिले। शिक्षा का जो है यूनिवर्सिटी का निर्माण होना यह बहुत ज़रूरी है। इनके जो शिक्षा के ये वंचित हैं, इनके अपने आप विकास के स्तर बद ऊपर हो जाएंगे। एक अगर ये शिक्षा से इनका जुड़ाव हो गया, जागरूकता आ गई, इन्हें ये समझ आ गया कि इन्हें पढ़ लिख कर आखिर आदमी बन क्या सकता है, साफ लफ्ज़ों में, स्पष्ट लफ्ज़ों में, इन्हें अभी ये पता नहीं है, विकास की परिभाषा और रूपरेखा से बहुत परे हैं। जी बिल्कुल श्वेता, आप उनसे ज़रूर पूछिए जो रहीश खान है, जो वहाँ पर स्थानीय विधायक हैं, कितना इस क्षेत्र को, पुनहाना क्षेत्र को समझ पाई हैं नौक्षम, और साथ ही रहीश खान जो कि बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार थे पहले, कितना समर्थन इस उनकी राजनीति में एंट्री को उनको मिल पाया नौक्षम को रहीश खान की तरफ से। जी निधि, रईश खान एक्चुअली बागी हो चुके हैं, अब वो इनके सामने खड़े हैं और बागी तेवर उन्होंने दिखा दिए हैं। तो नौक्षम, रईश खान क्योंकि बागी हो, अगर आपको पता है कि 80% जो इलाका है वहाँ मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, वोट ज़्यादा है, ऐसे में आपको लगता है समर्थन मिलेगा आपको? देखिए जी, मैं शुरू से कह रही हूँ ये एक सामाजिक चुनाव है, ये एक वो चुनाव है जिसमें हिंदू मुसलमान एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है। उसकी वजह क्या है? ये सब तब्दीली चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। चौधरी रईस खान जी इस वक्त निर्दलीय खड़े हैं, और जो हमारे यहाँ के इलाके के लोग हैं वो एक उम्मीद की किरण रख रहे हैं। उन्होंने हर 5 साल में लोगों को मौके दिए हैं, आजमाया है, और किसी ना किसी वजह से निराशा आई है, लोग मायूस हुए हैं, बेबसी आई है, खिलाफत है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये एक बदलाव की चुनाव है, और आपको प्यार मिल रहा है लोगों से, बहुत हर वर्ग से समर्थन मिल रहा है। लोग अपनी बेटी लाली को अपने लोग प्यार दे रहे हैं, बेटी हूँ, बहन हूँ, लोग इस किस्म से मोहब्बतों और दुआओं से नवाज रहे हैं कि लफ्जों में मेरा बयां करना मुश्किल हो रहा है। बहुत भरपूर समर्थन मिल रहा है, हर वर्ग से समर्थन मिल रहा है। तो नौक्षम को बहुत समर्थन मिल रहा है, और वाकई जब रोड शो यहाँ पर निकाल रही है तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है, लोग फूल माला पहनाकर नौक्षम का स्वागत कर रहे हैं। बैक टू स्टूडियो।